देखिए दोस्तों, एक और आपका सवाल है, इफ़ द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक बटा में एक्स बराबर इतना है तो फाइंड द वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा में एक्स स्क्वायर और एक्स पर फोर प्लस एक बटा में एक्स पर फोर, यानी इनका हमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो बस आपको कुछ पहले लिखिए सॉल्यूशन, पेन उठाइए, सॉल्यूशन हल हम क्या करेंगे, देखिए एक्स माइनस एक बटा में एक्स बराबर लिखेंगे, 81 नहीं था सॉरी, ये 9 था, यह 9, ठीक है, ये 9 है, 9 है, तो यहाँ लिख दिए 9 और 9 का क्या कर दीजिए आप, इसका भी बर करिए और इसका भी क्या कर दीजिए आप, बर कर दीजिए, और यहाँ लिख देंगे कि स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड, ठीक है, यानी दोनों पक्षों का, इधर का भी इधर का, दो साइडों का हम, दोनों साइड है, दोनों तरफ का हमें स्क्वायर के, तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता थी, दोनों का हम एक ही चीज़ करते हैं, स्क्वायर ही करते हैं, तो ठीक है। तो बस आपको पता होगा, आप पढ़ेंगे फार्मूला, ए माइनस बी का होल वर्ग बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, आप ये पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो देख लीजिए, इसे याद रखिए कि बार बार आपको फार्मूले यूज में आते हैं तो इसे कर लीजिएगा। अब देखिए ये है ए, देखिए ए ना, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, देखा होगा ए का वर्ग यानी एक्स का वर्ग, अब प्लस लगा दे, देखिए प्लस लगा बी का वर्ग यानी वन अपान में एक्स का वर्ग, माइनस देखिए यहाँ का लिखा है, माइनस लिखा तो माइनस टू की जगह पर हम टू लिखेंगे, ए की जगह पे एक्स और बी की जगह पे एक बटा एक्स बराबर। अब नौ का हम पढ़े, नौ का टेबल टू पर नाइन नाइन जा 81 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, बस थोड़े से और, एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा में एक्स स्क्वायर माइनस, अब देखिए ये ऊपर है नीचे है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए, कट जाएंगे, तो क्या बचा, वन बचा, और टू में वन का पढ़ा, टू वन जा टू इक्वल टू क्या हो गया 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा में एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस नहीं है, इक्वल टू का चिन्ह लगा दीजिए 81, यहाँ का माइनस नहीं, इधर जाके आपको ये प्लस हो जाता है, ठीक है। बस तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक बटा में एक्स स्क्वायर बराबर, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 83, और ये हो गया इसका वैल्यू। तो देखिए आपके सवाल में अब एक अलगल इसका वैल्यू निकालना है हमें, इस चीज़ का देखिए इसका वैल्यू निकालना है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे, बस इस सवाल को हम उतार लेंगे ऐसे, अब यहाँ फिर लिखेंगे कि एक्स पर स्क्वायर प्लस एक बटा में एक्स का स्क्वायर बराबर 83, ठीक है। अब यहाँ भी करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर बोथ साइड, बोथ साइड, यानी दोनों तरफ का हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, इसका भी हम बर कर देंगे और इसका भी बर कर देंगे, दोनों का हम बराबर करेंगे तो कोई मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो देखिए अब वही फार्मूला लगाएंगे, अब यहाँ पे फार्मूला बदल जाए, ए प्लस बी का होल वर्ग बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो देखिए ये वाला ये हो गया, ये देखिए ना ए हो गया और ये क्या हो गया बी हो गया, कंपेयर कर लीजिए फिर आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो एक्स का वर्ग, अब देखिए इस ए का वर्ग है तो एक्स का वर्ग, यानी पहले से दो घात है एक्स पका हो जाएगा चार घात हो जाएगा, अब बी का वर्ग बी है तो एक बटा में एक्स पका हो जाएगा चार घात हो जाएगा, अब प्लस देखिए यहाँ पका लगा टू और ए का मान है एक्स स्क्वायर और बी का मान है एक बटा में एक्स स्क्वायर बराबर गया 83 इंटू 83, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही ना, तो देखिए बस एक लाइन और, एक्स पर वर्ग प्लस एक बटा में एक्स का वर्ग, आप प्लस लगा दीजिए, देखिए ये दोनों ऊपर नीचे हैं, यहाँ इनटू का चिन्ह है तो दोनों क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तब क्या बचा वन, दो एक में दो, और इसका गुणा करेंगे 83 इंटू 83 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे हम करते हैं ना यहाँ रफ मैथ करेंगे कि 83 अब फिर क्या हो जाएगा 83, ठीक है। तो ऐसा करते हैं ना, तो इतना आप कर लेंगे, इसको आप करिए तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये आ जाएगा, देखिए क्या होगा एक्स पर वर्ग प्लस एक बटा में एक्स पर चार घात आ प्लस दो बराबर ये आपका हो जाएगा 6889, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा,
अब इसको दो को बस यहाँ कर दीजिए, तो एक लाइन और बस बढ़ा दीजिए, आपका आंसर हो गया x पर 4 प्लस 1 बटा में x पर 4 बराबर 6 8 8। अब देखिए इसको उधर ले जाएंगे ना तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, 2 जब इधर आएगा तो तब 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हम घटा देंगे 9 में 2 तक आ जाएगा 7 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा आंसर।